Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see regular express and crash course. जी हाँ गाइस, तो फाइनली आप में से बहुतों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, यू नो, जब मैंने ये वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स बनाया, यहाँ पे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बहुत ही कम बताया था। बट मैंने सोचा क्यों ना यार, जब वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स बना चुका हूँ तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी तो इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ क्रैश कोर्स ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन, जहाँ हम सब कुछ जो एकदम बेसिक जो आपको एटलीस्ट मालूम होना जरूरत है कि आप सिंपल ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर एंड ऑल वैलिडेशन इजीली कर सको, तो वो आज सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाला है। सो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी मेरा जो चैलेंज वाला पार्ट है जावास्क्रिप्ट इन 100 डेज, उसी में ही मैंने इंक्लूड किया। मैंने सोचा क्रैश कोर्स भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हमें अपना जो स्टैंडर्ड उसको ऊपर करना है। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कीजिएगा, बहुत जल्द रिएक्ट सीरीज आने वाला है। सो गाइस, आप लोगों के लिए मैंने मार्कडाउन एकदम रेडी कर रखा है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक जो है ये नोट्स सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या होता है ये रेगुलर एक्सप्रेशन? सी, सो एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर ए सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स दैट डिफाइंस अ सर्च पैटर्न। क्या एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो क्या डिफाइन करता है? एक सर्च पैटर्न, ठीक है। दिस पैटर्न्स आर वाइडली यूज्ड फॉर स्ट्रिंग सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन। इसको हम वाइडली यूज करते हैं फॉर स्ट्रिंग सर्चिंग एंड देन मैनिपुलेशन। जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे अगर आपको ईमेल वैलिडेशन करना हो, पासवर्ड वैलिडेशन करना हो, मोबाइल नंबर, यूजर का नाम बराबर है, यानी बेसिकली कोई भी इनपुट फील्ड्स हो, तो वहां पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन का बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो अब हमें देखना है हमारा बेसिक सिंटैक्स एंड बिलीव में, अगर आप इतना ये जो बेसिक सिंटैक्स जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना, आप बहुत इजीली रेगुलर एक्सप्रेशन में अपना काम को जो है स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना ही सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है। लाइक व्हेन इट कम्स टू योर जावास्क्रिप्ट, वी हैव एरेज, ऑब्जेक्ट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, प्रॉमिसेस, यू नो, इवेंट डेलीगेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं। उसी तरीके से यू नो, हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ गिने चुने सिंटैक्स है, इसको अगर आप समझ गए लाइफ इजी हो जाएगी। एंड मैं बहुत ऑसम तरीके से आपको समझाने वाला विथ लाइफ एग्जाम्पल, देख लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले वी हैव दिस लिटरल्स। यू नो, जब हम स्कूल जाते तो वहां पे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट टाइम हमें क्या सिखाया जाता है? ए बी सी डी। मैथ्स जब हम सीखते तो हमें 1, 2, 3 नंबर सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से यही जो आपके लेटर्स है या कैरेक्टर जो है, यू नो, जो बेसिकली नॉर्मल कैरेक्टर्स, एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स, वो आपके लिटरल्स कहलाते हैं इन योर रेगुलर एक्सप्रेशन। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट्स से आई एम थापर टेक्निकल, इस तरीके से मैंने जो ये लिखा, तो यहाँ पे ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि हमने जो भी ये लिटरल्स टाइप की है वो इससे मैच कर रहा है, सिंपल, राइट? क्योंकि आगे जाके मैं आपको इस वीडियो में ईमेल वैलिडेशन कराऊंगा, एकदम कॉम्प्लेक्स वाला, मजा आ जाएगा। तो उसी तरीके से गाइस, इन सेकंड वी हैव दिस मेटा कैरेक्टर्स। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स विद स्पेशल मीनिंग्स, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत सारे, बट इन रेजेक्स कुछ गिने चुने ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है जिनको कुछ इन्होंने दर्जा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉट यूज करते हो, इट मीन्स कोई भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, एनी कैरेक्टर्स। वहीं अगर आप ये जो नेगेशन, बेसिकली कैरेट यूज करते हो, देन इट रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग, कि आप जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हो, जिसमें से सबसे पहले आपको ये कैरेट साइन यूज करना पड़ता, मतलब अब आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है अपना लिखने जा रहे हो, एंड जहां पे वो खत्म हो जाता है, देन आपको डॉलर साइन यूज करना, ताकि ये पता चले कि अब मेरा ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, सिंपल। सो मेटा कैरेक्टर्स में आपको डॉट, कैरेट एंड देन डॉलर साइन को स्पेशली ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी देखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें लिखने की नीड नहीं पड़ती, इतना कैपेबल है, बट स्टार्टिंग मतलब आपको इस तरीके से स्टार्टिंग करना होगा, एंड एट द एंड में आपको इस तरीके से डॉलर लिखना होगा, ताकि ये पता चल जाए कि स्टार्ट मेरा यहां से हो रहा है, एंड मेरा यहां पे हो रहा है, एंड द मोमेंट मैंने ये किया, देखो सभी के सभी चले गए, लेकिन वी हैव लेफ्ट विथ ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट। सिर्फ अब सिर्फ ये वाला जो ये मेरा एकदम वैलिड आउटपुट मुझे मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप कल के दिन सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो ये आपका वैलिड हो जाएगा, दो ये तो कुछ भी नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, मतलब इतना तो पता चल गया ना, स्टार्टिंग पार्ट एंड देन एंडिंग पार्ट, इसके आगे ना कुछ, इसके पीछे ना कुछ, दैट्स व्हाई सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट हुआ। अगर ये अभी अगर मैं हटा देता तो भी वो चला जाएगा, पूरा का पूरा ये होना जरूरी है। ऑल राइट गाइस, नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर कैरेक्टर क्लास। कैरेक्टर क्लासेस मतलब क्या? नाउ सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक ये पर्टिकुलर फॉर एनी लोअर केस लेटर। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन करते हो तो ऑब्वियसली यू नीड समथिंग, राइट? लेट्स एग्जाम्पल यूजर नेम, यू नो, यूजर नेम में आपको बस ये कंडीशन चेक करना है कि यूजर का जो नाम है इट मस्ट बी स्मॉल लेटर, एंड वो खाली ए से लेके जेड के बीच में ही होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होना चाहिए वो जो है आपका कैरेक्टर क्लासेस डिफाइन करता है,
जहां पे आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना है, ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर स्मॉल ए हाइफन जेड, इट मींस ये अब आपका एक रेंज है कि आप ए बी सी डी इस तरीके से जेड तक लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग मेरा ये है, एंडिंग मेरा ये है। अब कैरेक्टर क्लासेस में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको चाहिए तो हमें क्या करना होगा, अब ये आई एम थापा टेक्निकल इतने सारे लिखने से बेटर क्यों ना एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग में लिखूं, है ना। एंड यहां पे मैं बोलूंगा स्मॉल ए हाइफन जेड, एंड अब मेरा काम हो गया ये कि अब क्या हो रहा है ये, सॉरी अंडरस्कोर चला गया यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट्स अ हाइफन। एंड अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ए से लेके हाइफन जेड तक जितने भी मेरे कैरेक्टर है आप सबको सिलेक्ट कीजिए, सिंपल इसका मतलब ये। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको पता चल गया ना, अगर आपको कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड चाहिए तो इस तरीके से आपको, तो सिंपल इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है, आपको पता चल गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं हवर करता हूं तो बता भी रहा है, ध्यान से देखना, ये देख लीजिए दिस इज योर कैरेक्टर क्लास, मैच अ सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट इन दिस सेट। अभी सिर्फ ये सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है, मतलब कल के दिन अगर इसके नीचे में सिर्फ एक ए लिख देता या कैपिटल ए लिख देता तो ये मेरा मैच हो जा रहा है, ये देखो ये मेरा मैच हो जा रहा है, मतलब अब ये जो मैंने कोड लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन वो सिर्फ इन दोनों को एज ए ट्रू वैल्यू मान रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया दिस इज योर कैरेक्टर क्लास। उसी तरीके से वी हैव समथिंग कॉल्ड शॉर्ट हैंड इन आवर कैरेक्टर क्लासेस, जहां पे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर की चलो हम बात कर लेते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे ये मेरे डिजिट है, ठीक है, अब कल के दिन में ये लिख सकता हूं कि 0-9, 0-9 का मतलब ये है कि मुझे मेरा जो नंबर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करना है, जहां पे वो 0 से लेकर 9 तक होगा। अब ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो सिर्फ एक सिंगल को ही सिलेक्ट करने वाला, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे में चलता और मैं 1 लिख देता हूं, एंड बूम गाइस सी ये देखिए, फिलहाल अभी हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा उसका मतलब ये है कि या तो एक लोअर लेटर होगा, या तो एक अपर कैरेक्टर होगा, या तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट होगी, दिस इज इट, राइट। एंड यहीं पर ही आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पार्ट है इसको मैं एक शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकता था, जहां पे अगर मैं स्मॉल डी लिखता हूं इट मींस इंक्लूड ऑल द डिजिट, एंड वहीं अगर मैं कैपिटल डी लिखता हूं इट मींस एक्सक्लूड ऑल द डिजिट, मतलब डिजिट को छोड़ के बाकी को सिलेक्ट करो, समझ रहे हो। इसका मतलब ये कि इसके बदले मैं फॉरवर्ड स्लैश अगर डी भी लिख देता तो भी मेरा ये काम करता, तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड उसी तरीके से अगर व्हाइट स्पेस की अगर हम बात करते देन गाइस कितनी प्रॉब्लम आती, राइट, कोई अगर बंदा इतना स्पेस लिख के कुछ भी इतना लिख रहा है यूजर नेम, तो मैं क्या चाहूंगा भाई ये स्पेस क्यों फालतू में लिख रहा है, यूजर नेम किसका इतना स्पेस होता है। अब आप ये मत बोलिए कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, नहीं, उसका एक सिंबल नाम था जान में उसके वो फालतू का लिखने चाह रहा था, बट हमने इस तरीके से मुझे प्लेन चाहिए, देन उस समय बहुत इजीली इंक्लूडिंग स्पेस टैप्स एंड देन लाइन ब्रेसेस ब्रेक्स के लिए आप हाइफन बैकस्लैश एंड देन एस यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव दिस क्वांटिफायर्स फाइनली, तो अब बिलीव मी ये जो क्वांटिफायर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम जो भी कर रहे हैं वो ये है कि यूजर क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, कौन कौन से टेक्स्ट कौन कौन से डेटा वो ऐड कर सकता है या लिख सकता है, लेकिन कितनी बार लिख सकता है वो तो हमने बताया ही नहीं, एंड दैट इज नथिंग बट योर रेंज, उसी को हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। तो डिफरेंट तरीके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लस यूज करते हो इट मीन्स वन और मेनी टाइम्स, वन और इन्फिनिट, वो चीज कितनी भी बार आप लिख सकते हो लेकिन मिनिमम एक बार होना जरूरी है। वहीं अगर आप एस्ट्रिक यूज करते हो इट मीन जीरो और मोर, मतलब ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एस्ट्रिक मतलब आप कितनी भी बार कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस रेंज सेलेक्टर, जहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो फर्स्ट वैल्यू है इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, कितना तो होना ही चाहिए, एंड दिस रिप्रेजेंट योर मैक्सिमम वैल्यू, कितना से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। सो वी हैव दिस प्लस ऑपरेटर, यू नो प्लस एस्ट्रिक एंड देन ये। अब मैं आपको बताता हूं, अभी तक ये हम जो भी कर रहे थे देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुए, बट द मोमेंट में अगर यहाँ पे प्लस ऐड कर देता हूं बूम गाइस सी, अब आपने एक ऐसा वैलिडेशन एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है जिसमें आप कैपिटल ए से जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड देन जीरो से लेकर नाइन के बीच में कितनी भी बार कुछ भी नंबर आता वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ही मैं चलता हूं ओवर हियर, कुछ भी एंड नंबर, देखो मेरा ये काम हो गया ना, कितनी इजीली मैंने मतलब बहुत औसम तरीके से लिख दी। वहीं पर ही प्लस के बदले आप एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हो तो भी ये आपका काम करेगा, बस डिफरेंस ये कि प्लस वाले केस में एटलीस्ट एक बार होना जरूरी है, यू नो, एंड एस्ट्रिक में ना हो तो भी चलेगा, तो हम प्लस लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। एंड ये रेंज है,
जहां पे आप रेंज भी इस तरीके से मेंशन कर सकते थे, मिनिमम एक मैक्सिमम पांच। ये देखो अब कोई भी ऐसा डेटा नहीं, अब जब सपोज इसको मैं तीन कर देता हूँ तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये देखो गैप हो गया। तो मिनिमम एक एंड देन मैक्सिमम पांच आप जा सकते हो, ठीक है। देन वी हैव दिस समथिंग कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा वी हैव मेटा कैरेक्टर जिनकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू है, उनके पास खुद की कुछ स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है। लाइक इन रिएक्ट वी हैव अ क्लास जो कि बाई डिफॉल्ट एक रिजर्व कीवर्ड है, दैट्स व्हाई रिएक्ट, अगर आपने कभी काम किया होगा रिएक्ट डॉट जेएस में, तो अब स्टाइल करने के लिए हम क्लास नेम लिखते हैं, हम क्लास नहीं लिखते। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो डॉट है, देन वी हैव दिस कैरेट एंड देन ये जो डॉलर सिंबल है, लेट्स एग्जाम्पल कि हमें एक ऑर्डिनरी डॉलर चाहिए, कि भाई मुझे डॉलर वाला डॉलर नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल डॉलर चेक करना है कि डॉलर है या नहीं। इस तरीके से एक ऑर्डिनरी डॉलर लगेगा, तो अब आपको इसको इस तरीके से बैक स्लैश यूज करना है, जिसको हम एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं, ताकि रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जब इसको रीड करे उसको बोले अच्छा ये एंड वाला डॉलर नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे जाके एंड हो रही है वो वाला नहीं है, ये जस्ट ये भी डॉलर उस पर्टिकुलर डेटा में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी उसकी बात हो रही है, ऑर्डिनरी डॉलर, सिंपल, समझ रहे हो। तो ये जस्ट आपको एस्केप कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना जरूरी था। सो आई होप गाइस आपको ये जो बेसिक सिंटैक्स है वो पता चल गया होगा, एंड यहाँ पे मैंने आपको पूरी कोशिश की ए टू जेड बताने के लिए। अब मैं आपको एकदम इन डेप्थ एकदम डिटेल में गाइस समझाऊंगा कि आप ये ईमेल वैलिडेशन कैसे कर सकते हो, एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है एंड अभी तक अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, टारगेट सिर्फ हमारा 500 लाइक्स है। आई नो आप बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो या गाइस अगर आप इतना बेसिक सिंटेक्स को भी समझ लेते हो, इट इज मोर देन इनफ, आप बहुत इजीली रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम कर सकते हो, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। तो इतना आप समझ गए, देन आपको प्रैक्टिस करना परफेक्ट हो जाओगे। ऑलराइट गाइस, तो इतना हमने समझ लिया, नाउ इट्स टाइम टू डू द प्रैक्टिस एंड हमारा ये कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। इसको मैंने एकदम सिंपल रखा गया, कोई ये एकदम पहाड़ नहीं है, माउंट एवरेस्ट नहीं, जहां पे चढ़ने में हालत खराब होने वाली, बस इतना ही है। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है, एंड ये जो मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ ना, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सी नाउ हमें कैसे वैलिडेट करना होगा। सो इन ईमेल वी हैव समथिंग कॉल्ड लोकल पार्ट, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डोमेन पार्ट, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड योर टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। सो हम हमारे क्वेश्चन पे चलते, फाइनली मेल एड्रेस वैलिडेशन, ठीक है। सो कैसे देखो, तो कुछ इन्होंने टू डू दिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दी लोकल पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस बिफोर दी एड्रेस कैन कंटेन एटलीस्ट, देखो गाइस अल्फा न्यूमेरिक होना जरूरी है। देखो ये तो अब आपको पता चल गया, दिस इज योर व्हाट कैरेक्टर क्लासेस, जहां पे कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड नंबर्स होना जरूरी है। देन वी कैन हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, डोंट वरी, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, वी कैन हैव स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अब हमें ये एग्जैक्टली नहीं आइडिया इनमें से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, तो मैंने इतने सारे रखे हुए हैं, एंड इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पे बहुत ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड देन कंसेक्यूटिव पीरियड्स आर नॉट अलाउड, इसका मतलब ये, तो इसका सिंपल मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो एक दिख रहा है ये आपका वैलिड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव डॉट्स आ गए जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे बता रहा है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर से कैन नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग और द एंड ऑफ द लोकल पार्ट, बिगिनिंग या एंड में वो नहीं आ सकते, यू नीड टू मेक श्योर, समझ रहे हो, पेस्ट एंड एट द रेट में लिख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट, है ना, मैंने चलो वो भी ऐड कर दी क्योंकि कोई था नहीं। ऑलराइट, देन आफ्टर द डोमेन पार्ट, आफ्टर द डोमेन मतलब ये एट द रेट के बाद, देन हाइफन कैरेक्टर, देखो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना जरूरी है, देयर हैज टू बी हाइफन, हो सकता है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पीरियड भी वो हो सकता है, मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पीरियड, एटलीस्ट एक पीरियड तो होना जरूरी है फिर, है ना। एंड यहाँ पे बता रहा है कि ये जो TLD होता है ना, इसका फुल फॉर्म है योर टॉप लेवल डोमेन, दैट इज योर लाइक .com, .org, .net, इस तरीके से जो होता है। ऑलराइट, सो वी ऑलरेडी हैव सम लाइक कंसोल में हमारे पास ऑलरेडी कुछ है, बट इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस रूल क्या है ये आप देखो ना, द मोमेंट मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये बता रहा है कैरेक्टर क्लास मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कैपिटल ए हाइफन ये, दिस इज इट। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट रेजेक्स 101,
सब कुछ बता रहा है कि जब मैं होवर करता हूँ, सो इट्स अ कैरेक्टर क्लास। एंड हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, वी हैव समथिंग कॉल्ड कैरेक्टर क्लास। ओ माई गॉड, सी मैंने कहा ना, अब इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दिस इज योर कैरेक्टर क्लास। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे बता भी रहा है कि यहाँ पे देखो ना, इट्स अ कैरेक्टर क्लास, मैच अ सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट इन द लिस्ट बिलो ए हाइफन जेड। तो है ना, कितना ऑसम। लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए। देखो ना, यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब द मोमेंट मैंने कैपिटल में लिखा वो सिलेक्ट हो गया। मतलब अब ये जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, आप ये कह सकते हो कि अगर आपको जस्ट ये चेक करना हो कि आपके इनपुट फील्ड में कोई कैपिटल लेटर्स लिख रहा है या नहीं, एंड सिर्फ उनको कैपिटल लेटर्स ही लिखना है, देन आप इतना लिख दो, आपका काम हो गया। क्योंकि देखो, जब भी कैपिटल लेटर्स मिला उसने उसको हाईलाइट कर लिया। अब सिर्फ इतने से चलेगा नहीं, ए हाइफन जेड, ये अब कैपिटल है, ये स्मॉल है। देखो इतने सारे मेरे सिलेक्ट हो गए, इतने सारे मेरे सिलेक्ट हो गए। अब मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया होगा। देखो आई गेस यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस जगह पे इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ एक और, एंड यहाँ पे मैं कुछ डिजिट लिख देता हूँ, लेट्स से 101। ठीक है, अब देखो ये जो डिजिट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए भी मुझे क्या लगेगा, 0-9। सो ये हमारे कैरेक्टर क्लासेस है जिसके अंदर मैंने कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड देन डिजिट मैंने ऐड कर दी। एंड डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, आप इसको हाइफन इस तरीके से डी भी लिख सकते हो, तो भी आपका काम करेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, राइट, दिस इज योर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। बट फिलहाल आपके लिए इजी हो तो मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। अब आपको पता चला होगा शॉर्ट हैंड का भी काम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वी कैन यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स जिसपे से मैंने रखा हुआ है। वी कैन हैव अंडरस्कोर, आई गेस परसेंटेज, देन प्लस एंड देन हाइफन, ये सब कुछ हम यूज कर सकते हैं, समझ रहे, ये सब के सब चीज हम यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए मैं एक स्पेशल चीज आपको बताता हूँ नाउ। बट नाउ अब मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, एंड दैट इज आपको इस तरीके से गाइस पैरेंथेसिस लिखना है, यू नो, एंड देन हे यू नीड टू राइट अ क्वेश्चन मार्क, एंड देन आपको एक कॉलन लिख देना है इस तरीके से। अब देखना क्या होता है, अगर इस पे मैं हवर करता हूँ, सो नाउ ये अब आपका बन गया है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप। क्या ये नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है, इसका मतलब ये कि इसका होना ना होना उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका सिंपल मतलब, अगर ये हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमें लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब मुझे यहाँ पे एटलीस्ट एक डॉट लगेगा, एटलीस्ट वी कैन हैव परसेंटेज, एटलीस्ट वी कैन हैव वन अंडरस्कोर एंड देन वी कैन हैव वन प्लस। ठीक है, ये तो होना जरूरी, आई मीन इतना तो भी ये एक होना जरूरी है। ठीक है, तब आप देखोगे कि मुझे इस तरीके से .m ये इस तरीके से मुझे ये मिल रहा है, मतलब अब सिर्फ इतने ही वैलिड होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने ये जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स, आई मीन मैंने ये जो भी कैरेक्टर क्लासेस के अंदर डिफाइन की है, मैं चाहता हूँ ये मल्टीपल टाइम्स हो, याद है। एंड उसके लिए हमने क्या देखा था, क्वेंटिफायर्स, तो मैं प्लस यूज कर दूंगा, दिस इज इट। तो नाउ अब मैंने यहाँ पे प्लस यूज कर दी है, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लस ये सब के सब सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट हुआ, इसके बाद मुझे वापस यहाँ पे एक और ये अपना कैरेक्टर क्लास लगेगा जहाँ पे सेम ये जो चीज है, इसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इस पे मैं ये कौन सा साइन यूज करने जा रहा हूँ, एस्ट्रिक। बूम गाइस, से देखा क्यों मैंने ये एस्ट्रिक यूज की, मैंने ये एस्ट्रिक इसलिए यूज किया ताकि मेरा ये जो पार्ट है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है, ये अगर एक बार आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजार बार आया तो भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर कोड आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने कैरेक्टर क्लास लिखा है, इतना मेक श्योर करना जब भी आप कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हो एंड उसके बाद या तो प्लस या कुछ भी एस्ट्रिक साइन नहीं देते हो, इसका मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। यहाँ पे भी अगर सपोज ये एक बार आ गया है ना, मैं एक और डॉट लगा दूंगा, अब ये इनवैलिड, या कुछ भी अगर मैंने सपोज ये प्लस भी लगा दिया तो अब ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए। ठीक है, एक ही बार चाहिए मतलब यहाँ पे भी आप प्लस यूज कर सकते हो, लेकिन ये कंसेक्यूटिव डॉट डॉट दो बार नहीं आ सकते, इनवैलिड है ना। आप लगाओ, चलो यहाँ पे डॉट लगा दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक साथ दो बार नहीं आ सकते, दैट्स व्हाई इसको हमने अलग रखा है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दी होती
देखा, प्लस कर दिया होता मैंने यहाँ पे, मतलब वन और मोर टाइम्स, तो ये देखो ये सब वैलिड हो गया। तो नहीं भाई, ये सिर्फ एक बार चाहिए मुझे, खत्म, इतना मेरा काम। अब मुझे यहाँ पे एट द रेट लगेगा, सिंपल एट द रेट लगा, फिर से वही फंडा, फिर से यही चीज, यू नो एट द रेट में तो ऑब्वियसली आपका डिजिट तो आएगा नहीं। ये इस तरीके से मेरा काम हो गया, एंड यहाँ पे फिर से मैं प्लस कर दूंगा, मतलब भाई ये मुझे चाहिए। फिर आप एक एस्केप कैरेक्टर एंड देन डॉट, क्यों, क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक ही बार डॉट चाहिए। एंड अब फाइनली ये जो मैं करने जा रहा हूँ बेसिकली हमारे डॉट कॉम उसके लिए ही है, ठीक है। सो यहाँ पे जाइए, क्या ही करोगे अब ऑब्वियसली डॉट कॉम है तो यही सेम पीस ऑफ कोड पेस्ट। एंड हाँ, अब मैं यहाँ पे एक अलग चीज बताता हूँ रेंज वाला, जो कि आप इस तरीके से कर सकते हो, मिनिमम टू, क्योंकि डॉट इन, डॉट को, डॉट यू के हो सकता है, बट मैक्सिमम जितना मर्जी करो भाई। फिर ये देखो मेरा काम हो गया, कितनी इजीली हमारा ये काम हो चुका है। एंड यहाँ पे एक चीज आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला इनवैलिड बता रहा है जबकि ये तो वैलिड है। एक काम करते गाइस, ये जो एट द रेट जीमेल वाला जो मेरा पर्टिकुलर पार्ट है ना, यहाँ पे आप 0.9 भी कीजिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका ये जो डोमेन नेम में भी कुछ उन्होंने इंक्लूड किया हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब हम क्या करें गाइस, आप मुझे बताओ कि देखो सब कुछ सही है, इतने सारे हमारे वैलिड भी हो रखे हैं जो कि सही है, एक जगह पे प्रॉब्लम है, द मोमेंट हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दे रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ इशू आ रही है, ठीक है। अब हम एक काम ये कर सकते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है मैंने देखा यहाँ पे मैं प्लस यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये वाले जो पर्टिकुलर थिंग है इसको अगर मैं प्लस यूज कर दूंगा, एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे इसने इसको सिलेक्ट नहीं की क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, डबल कंसेक्यूटिव हम लेके आ ही नहीं सकते, तो जस्ट यहाँ पे आपको प्लस ऐड करना है ताकि ये जो ये मल्टीपल टाइम्स आ सके। वन मोर टाइम अगर इसको मैं हटा देता तो ये वाले जो पर्टिकुलर पार्ट है ये काम नहीं कर रहे थे, बट अब अगर मैं प्लस यूज कर देता हूँ तो यहाँ पे सिंपल बस इतना ही है कि ये तो चलो एक ही बार आएगा, बट ये तो आप कितनी भी बार दिखा सकते हो, इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। सो या गाइस, दिस इज इट, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन के रेडी है, कॉपी कीजिए, कोड पे आइए, है ना, यहाँ पे कितनी इजीली हो चुका है अपना ये काम। सो कॉन्स्ट वैलिडेट ईमेल, ऑलराइट, सो हियर लेट्स गो विद ईमेल, है ना, यहाँ पे गाइस पैट एरो फंक्शन आप दीजिए, यहाँ पे आइए, सो यू नीड टू रिटर्न। अब ध्यान से देखना, नो मैटर व्हाट फॉरवर्ड स्लैश आपको देना पड़ेगा, हमने पढ़ा था हमारा ये जो कैरेक्टर है दिस इज आवर स्टार्टिंग कैरेक्टर, एंड ये वाला जो कैरेक्टर होगा डॉलर, ये हमारा एंडिंग कैरेक्टर है, राइट, इतना तो आपको मालूम है, राइट, स्टार्टिंग कैरेक्टर योर एंडिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे आपको आपका कोड लिखना है इस तरीके से, या आपने अपना कोड इस तरीके से लिखा तो एक चीज बहुत ध्यान में आप रख सकते हो कि जब भी आप इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हो वो आपने कुछ सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सेट ऑफ कोड है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज डॉट टेस्ट, एंड उसके अंदर बस आपको ये जो एरे क्यों लिख रहा हूं मैं, ईमेल जो है आपको पास कर देना, दिस इज इट। सो गाइस, ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन चुका है जहां पे अब आप अपने ईमेल को चेक करोगे। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो इसको मैं एक बार क्लीन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, एंड बूम गाइस, सो इट्स अ ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड देन फॉल्स। देखो बाकी जगह बहुत ही सिंपल बताएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना हो सकता था मैं इंक्लूड करूं, एंड इसमें ये जो कैप्चरिंग वाला जो ग्रुप है आप देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे सब बता रहा है, नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, दिस इज योर कैरेक्टर क्लास, ये आपके रेंज मैच जो भी हो रहा है, ये आपके क्वांटिफायर्स, ये आपके क्वांटिफायर्स, ये तो आपका एक टेक्स्ट हो गया, ये भी आपका एक टेक्स्ट हो गया, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये आपका क्वांटिफायर्स फिर से, तो सब कुछ जो एक बेसिक सिंटेक्स आपको जानना जरूरी था ताकि आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ अपना काम को स्टार्ट कर सको, तो वो फाइनली जो फाउंडेशन है वो आज इस वीडियो के थ्रू पक्का हो गया, मैं ये आशा करता हूं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ये जो जावास्क्रिप्ट इन 100 डेज इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, प्लीज गाइस इसको चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिए, आपको मजा आ जाएगा, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, एंड रिएक्ट सीरीज बहुत जल्द आने वाला, तो मैं नहीं चाहते सब ऑसम वीडियो को आप मिस करिए। तो गाइस, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसका टारगेट से 500 है, तो प्लीज कर दीजिएगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।